नमस्ते। आज मैं आपको ये स्टीम इनहेलर पाइप के बारे में बताने वाली हूँ। ये एक अल्यूमिनियम का पाइप है और इसके नीचे एक छोटा सा रबर ट्यूब है। अब मैंने ये प्रेशर पैन लिया है, आप प्रेशर कुकर भी ले सकते हो। इसमें 1.5 से 2 ग्लास पानी डालना है और ज्यादा असर के लिए आप इसमें अजवाइन या जो अपनी कैबेज आती है उसके बाहरी पत्ते डाल सकते हो। उसमें बहुत ऑक्सीजन होता है और उससे बहुत फायदा होता है। अब मैं इस प्रेशर पैन को बंद कर दूंगी और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, ये जो इनहेलिंग पाइप है इसको मुझे यहाँ पे अटैच करना है जहाँ पे विसल अटैच होती है, और इसकी पोजीशन ऐसे रहेगी। ये जो स्ट्रेट पार्ट है वो यहाँ आएगा और स्लैंटिंग पोर्शन ऐसे आएगा। अभी ये प्रेशर पैन को पाइप के साथ मैंने गैस पे लगा दिया है। आप अपनी जो स्टीम की फ्लो है ये गैस को स्लो या फास्ट करके कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये गर्म हो रहा है, आपको क्या तैयारी करनी है, इसके सामने एक चेयर रखना है जो तकरीबन 1 फीट दूर है। नीचे एक कपड़ा रखना है ताकि जितना भी वाटर हो वो नीचे गिर जाए, और आपको ध्यान ये रखना है कि दोनों पैर फैला के रखने हैं। और सबसे पहले जब आप स्टीम लेते हो तो 1 ग्लास पानी पीना है आपको, इसके बगैर आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है। जब आप 1 ग्लास पानी पी लो, अब ये स्टीम शुरू हो गया है। अब मैंने इसकी आंच बढ़ा दी है तो ये तेजी से बाहर आ रहा है। अगर आपको सिर में दर्द हो रहा है तो आप अपने सिर में ले सकते हैं, नोज ब्लॉक है तो आप अपने नोज में ले सकते हैं, अगर आपका माउथ ब्लॉक गले में दर्द है तो आप इस तरह से भाप को अपने गले में लीजिए। इस तरह से आप खड़े रहकर अपने पूरे बॉडी में ये भाप ले सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर आपके पास वेपराइजर या फेशियल स्टीमर है तो ये इससे काफी अलग चीज है, क्योंकि उसमें आपको पानी के छींटे उड़ने का डर रहता है, पर इस चीज में आपको कोई डर नहीं रहता है। ये वन टाइम बाय है और ये कभी खराब नहीं होता है, क्योंकि ये अल्यूमिनियम का बना है, ये एक बर्तन जैसी चीज है। तो आपको अगर खरीदना हो तो नीचे मेरा नंबर लिखा है, आप मेरी कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू।